यहाँ पर बात कर लेते हैं Redmi Note 7 और 7S के लिए, क्योंकि Redmi Note 7 Pro के लिए कई यूजर को MIUI 12 का अपडेट तो मिल गया है, 7 और 7S के लिए कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो यहाँ पर एक न्यूज है उसके रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, छोटा सा वीडियो होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ Redmi Note 7 Pro के लिए। Redmi Note 7 Pro के लिए MIUI 12 का अपडेट आया है, कई यूजर के लिए देखने के लिए मिला है, कुछ यूजर रह गए जिनको आने वाले समय में अपडेट जरूर देखने के लिए मिलेगा, आने वाले 10 से 15 दिन में अपडेट जरूर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों के लिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर Redmi Note 7 और 7S के बारे में। तो Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 के अपडेट के बारे में आपको यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको ये अपडेट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन थोड़ा डिले भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी न्यूज़ भी बता देता हूँ। मैं आपको बता दूँ Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 अभी भी अंडर टेस्टिंग पर है, यहाँ पर अभी भी इस पर काम चल रहा है, लेकिन इसी दौरान एक और न्यूज़ आ गई है, वो न्यूज़ भी मैं उसका स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि Redmi Note 7 और 7S के लिए अंडर टेस्टिंग पर था, MIUI 12 टेस्टिंग शुरू थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेटा अपडेट है, उसके जो बेटा अपडेट होते हैं जिस पर भी काम चल रहा रहता है, उसमें एक बग देखने के लिए मिला है सीरियस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक बग है जिसके चलते अपडेट में इशू आ रहा है, यहाँ पर बूट होने में इशू आ रहा है, कुछ ऐसे बग्स यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, तो उसकी वजह से Redmi Note 7 और 7S के लिए ये अपडेट सस्पेंड कर दिए गए। जो बेटा अपडेट है जिस पर काम चल रहा था, वो अपडेट को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया था कुछ रीज़न के चलते, रीज़न यही जो यहाँ पर कुछ बग्स देखने के लिए मिले हैं। तो ये बात है Redmi Note 7 और 7S के लिए, तो ये एक न्यूज़ थी वो मैंने आपको बताई है। Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 का अपडेट आपको कब तक देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ पर लगभग एंड सितंबर हो चुका है, एक या दो दिन बचे आपको, 10 से 15 दिन यानी कि आपको मिड अक्टूबर, 15 अक्टूबर से पहले कुछ सिलेक्टेड यूज़र को पार्शली अपडेट देखने के लिए मिल सकता है यहाँ पर Redmi Note 7 और 7S के लिए। ये शायद अपडेट आपको उससे पहले और जल्दी देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको एक न्यूज़ भी बताई कि यहाँ पर कुछ बग्स के चलते इसको सस्पेंड भी कर दिया, अब उसका असर कितना पड़ता है वो तो बाद में पता चलेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज़ है, यहाँ पर अगर आप लोग स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताया गया MIUI 12 का इंडियन अपडेट ट्रैकर है, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टाइम जो बताया है उसका MIUI 12 का अपडेट आने का Redmi Note 7 और 7S के लिए, तो अक्टूबर और नवंबर दोनों ही यहाँ पर मंथ बता दिए, यानी कि आपको अक्टूबर में भी मिल सकता है या फिर नवंबर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर अब इस न्यूज़ के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा समय है Redmi Note 7 और 7S के लिए MIUI 12 अपडेट के बारे में। शायद ये उसके वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर बेटा को सस्पेंड कर दिया गया था बग के चलते। मेरे ख्याल से ये अपडेट यहाँ पर आपको अपडेट 15 अक्टूबर से पहले देखने के लिए मिल सकता है पार्शली, कुछ यूज़र को ज़रूर देखने के लिए मिल सकता है। तो अक्टूबर एंड तक तो मेरे ख्याल से बहुत से यूज़र को अपडेट देखने के लिए मिलेगा, अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर बता दूंगा। और Redmi Note 7 Pro के लिए तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसी और यूज़र के लिए अपडेट आएगा मैं आपको ज़रूर बताते रहूँगा। तब से यहाँ पर आज की वीडियो में इतना ही, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना यार, फ्री में होता है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको सब्सक्रिप्शन के लिए, सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।